हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आपकी सौम्या आज अपना स्पेशल मोमेंट आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि है मेरी डिलीवरी टाइम, जो मेरा बेबी हुआ और कैसे हुआ, क्या हुआ, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। एंड ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है हर उन माओं के लिए जो कि 9 महीने एक बच्चे को अपने पेट में रखती हैं और वो सारे मोमेंट्स इन्जॉय करती हैं। उसके बाद जो डिलीवरी टाइम आता है वो कैसा होता है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अपना प्यार हमें ज़रूर कमेंट्स में दीजिएगा। तो स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, हमारा जो टेंटेटिव डेट था, जो डॉक्टर ने डिलीवरी डेट दिया था, वो 16th of July और डिलीवरी हुई है 22 July को, 6 days बाद। एंड मेरा 10 month लग गया था, 10th July को ही 10 month शुरू हो गया था। जो हमारा बेबी आया है वो 10 month लगने के बाद आया है, 12 days बाद आया है, यस। तो फिर हम लोग 18th, 19th, 20th, मेरे 3 दिन लेबर पेन पूरी रात रात शुरू होते थे इंटरवल्स में, थोड़ी थोड़ी देर में, और बहुत एक्सट्रीम भी हो जाते थे, पर फिर उसके बाद वो रुक जाते थे और सुबह कोई भी पेन नहीं होता था कुछ भी, और रात में भी होता था तो रुक रुक के होता था, बट बहुत एक्सट्रीम होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा मतलब पेन होने के बाद भी वो बंद हो जाता था। तो फिर हमने 3 days वेट किया, फिर हम 21 की मॉर्निंग को डॉक्टर के पास चले गए, तो वो वीडियो आप देखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर के पास क्योंकि थोड़ा पेन हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला आप आ जाइए, हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो हम तीनों अभी जा रहे हैं, देखिए क्या होता है, तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। बहुत ज़्यादा नर्वस थी, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग आ गए थे हॉस्पिटल, कैसा लग रहा है? डर भी लग रहा था, नहीं अभी रूटीन चेकअप के लिए बुलाया था, अगर देखते हैं कंडीशन सब कुछ सही रही तो फिर वेट करेंगे, अदरवाइज वो भी डॉक्टर बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो भाई तो बने रहिए, इस ब्लॉग में देखते रहिए, तो अपडेट्स देते रहेंगे जो भी होगा। चेकअप हम लोगों ने करा लिया था, तो वो आपको शायद ब्लर दिख रहा होगा, ये देखिए वो खड़ी हुई सामने। तो अब डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हम लोग घर जा रहे हैं। डॉक्टर ने कहा कि यस दिस इज अ लेबर पेन, ये लेबर पेन ही है, बिकॉज हम बहुत कंफ्यूज थे कि ऐसा पेन कैसे हो रहा है। तो डॉक्टर ने कहा कि यस ये ही लेबर पेन है और आपको 21 की नाइट ऑलमोस्ट 10 PM तक एडमिट हो जाना चाहिए। अगर आपका लेबर पेन आता है तो देन इट्स गुड, अदरवाइज हम इंट्यूस करेंगे इंजेक्शंस के थ्रू पेन, और तभी भी अगर नहीं होता है आपको पेन या कुछ तो हम ऑपरेट करेंगे। तो फिर 21 को हम लोग 10 बजे तक घर पे वेट करा, घर आके वेट करा कि लिवर पेन आए। 11 o'clock तक सब सो गए, एंड देन 12:30 AM 22 को जुलाई लग चुका था, 12:30 AM पे मेरे पेन शुरू हो गए, एंड फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गए और थोड़े थोड़े इंटरवल्स में होने लगे, और हम इसी बीच हमारा एक कोलैब पड़ा था, तो वो हमने रात को फिर जब मेरे पेन रुक गए थोड़ा तो हमने शूट किया, बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा था कि अब डिलीवरी हो जाएगी एंड ऑपरेशन ही होगा, बिकॉज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। तो फिर मैंने प्रतीक से कहा कि चलो शूट कर लेते हैं, बिकॉज पता नहीं कितने टाइम तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी और हमने कमिटमेंट किया हुआ है। तो हमने रात में 1:30 पे एक वीडियो शूट किया वो मैं, उसके बाद मेरे बहुत एक्सट्रीम लेबर पेन शुरू हो गया था और प्रतीक बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहे थे कि यार अब डॉक्टर के पास चलते हैं, बट मैंने कहा कि रात को मैं एडमिट नहीं हो सकती, बिकॉज अभी मैं जितना भी झेल सकती हूँ मैं घर पे ही सफ़र कर लूँगी, एक बार हॉस्पिटल चले गए तो फिर डॉक्टर मतलब ट्रिप वगैरह चढ़ा देंगे, तो मैं अपनी जगह से भी नहीं हिल पाऊँगी। और वो पेन्स बहुत ज़्यादा मतलब डरिएगा मत, लेकिन हाँ एग्जैक्टली वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे उसको 4 AM तक बियर किया, फिर मेरी मदर इन लॉ ने मेरी आवाज़ें सुन ली थी, तो शी वॉज बहुत मतलब डर गई, उन्होंने कहा नहीं अब डॉक्टर के पास चलना है, तो हम 5 AM तक घर से सब कुछ सामान वामान उठा के निकल गए डॉक्टर के पास। और उसके पास जाते ही डॉक्टर के पास मेरे लेबर पेन ख़त्म हो गए, उन्होंने मुझे एडमिट तो कर लिया बट मेरे लेबर पेन आए नहीं।
काफ़ी देर तक। फिर डॉक्टर्स भी इस मॉर्निंग में ही सुबह पहुंच गए हॉस्पिटल और उन्होंने चेक किया सब कुछ। तो उन्होंने कहा जैसे ही लेबर पेन अगर शुरू होता है तो ठीक है, हम वेट करेंगे, अदरवाइज हम इंजेक्शन के थ्रू इंट्यूस करेंगे। बट लेबर पेन शुरू हो गया था, डॉक्टर्स के देखने के थोड़ी देर बाद शुरू हो गया था लेबर पेन। और फिर जब मुझे थोड़ा सा आराम मिला पेन में तो मैं चुपचाप लेटी हुई थी, बट पेन बीच बीच में इंटरवल्स में बहुत तेज़ होता था और सब लोग आने लग गए थे घर के हॉस्पिटल, जैसे उनको पता लगा कि हाँ मैं एडमिट हो गई हूँ। और फिर लेबर पेन शुरू होता गया और बहुत एक्सट्रीम हो गया था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अब बस अब डिलीवरी हो सकती है। अब सारा प्रोसेस शुरू कर दिया था क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा आ रहा था बीच बीच में, और फिर सब इंजेक्शन्स वगैरह लगने लग गए थे। तो फिर वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में ले गए और वहीं पे मतलब लाइक ऑपरेशन थिएटर में ही डिलीवरी कराते हैं, चाहे नॉर्मल हो चाहे ऑपरेशन। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि अब आपके ऊपर है, लाइक आप बियर कर सकते हो इतना पेन तो नॉर्मल होगा और डेफिनेटली, अदरवाइज जैसा आपका डिसीजन। तो मैंने बोला कि नहीं मैं बियर कर लूँगी। तो फिर मैंने वो जर्नी भी निकाल ली, लाइक बहुत ज़्यादा पेन हुआ, फिर नॉर्मल डिलीवरी बाय गॉड ग्रेस हो गई। और जैसे ही मैं नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी और मैंने कभी को देखा, आई वाज सो हैप्पी। एंड सबसे अच्छा मोमेंट था जब मैंने अपने बेबी की पहली बार आवाज़ सुनी थी। वो इतने प्यार से रो रही थी, लेकिन जैसे उसको मेरे ऊपर लिटाया गया वो तुरंत चुप हो गई। मतलब इतना प्यारा कनेक्शन होता है मदर एंड चाइल्ड का। और यस, वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ वंडरफुल बेबी गर्ल, जो कि अभी आप वीडियोस में देखेंगे ही। और सबकी मेरे पास विशेज आने लग गई थी, मैं नॉर्मली बैठ के सबसे बात कर रही थी, फैमिली के बहुत सारे लोग आने लगे थे। एंड प्रतीक तो उनका एक्सप्रेशन तो वो ही बताएंगे। एंड एग्जैक्टली जब फर्स्ट टाइम प्रतीक ने बेबी को अपने हाथ में लिया, शी वाज सो क्यूट। और प्रतीक इतने नर्वस थे, उनके चेहरे पे देखिए नर्वसनेस, मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस, और ऐसे तो शिवर कर रहे थे हैंड्स उनके, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। फर्स्ट टाइम उन्होंने छोटा सा बेबी उठाया, वो भी अपना ही। और मुझसे मिलने आई मेरी स्वीट हार्ट भूमि हॉस्पिटल में फ्रॉम ऑल द वे टू दिल्ली, जो कि जिसकी वजह से सब पॉसिबल हो पाया। शी इज़ द ओनली वन जिसने मुझे पूरी प्रेगनेंसी गाइड किया एंड सब कुछ इतना स्मूथ और अच्छा हुआ। लुक, नैना मेरी डार्लिंग एंड वानिका, ये तीनों मेरे लाइफ के बहुत क्लोज और इम्पॉर्टेंट मेम्बर्स हैं। इन तीनों को ही बताया था, ये तीनों ही आए। और आप देख लीजिए बेबी का फेस, आपको दिख रही है ना, बहुत क्यूट सी हुई थी, बहुत प्यारी सी। और यस, अभी तो वो 2 मंथ्स की हो गई है। और ये देखिए सब लोग उसके पिक्चर्स और बूमरैंग्स ले रहे हैं। और फिर ये इसका क्या था, नहीं बेबी आ गया भूमि, आई लव यू फॉर गाइडिंग मी थ्रू आउट माय प्रेगनेंसी जर्नी, एंड आई लव यू नैना एंड वानिका, लव यू सो मच गाइस, तुम लोग इतने प्यारे हो यार। बहुत ही प्यारा मोमेंट होता है। एग्जैक्टली बहुत डिफिकल्टीज के बाद सब बहुत शौक थे कि मैंने नॉर्मल डिलीवरी करी एंड बहुत हैप्पी थी मैं, बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा प्रे किया था कि मुझे एक बेबी गर्ल चाहिए गॉड प्लीज़ प्लीज़, और बहुत मन्नत भी मांगी थी। और जब मेरी बेबी गर्ल हो गई तो यस, हम जैसे ही घर से निकलेंगे सबसे पहले मंदिर ही जाएंगे। और अब आप देखिए कि हॉस्पिटल में मैंने ज़्यादा लोग को बताया नहीं, इवन 2-3 लोग को ही पता था, और वह तीनों के तीनों हॉस्पिटल आए मुझसे मिलने। तो बाकी फैमिलीज तो बहुत ही खुश थी, आप वीडियो में देख ही रहे होंगे। और ये आ गए घर वापसी, सुबह गए थे शाम को आ गए कोको की मम्मा के पास। अरे 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 अरे, और सुबह गई थी शाम को आ गई। यस, नॉर्मल डिलीवरी में सब कुछ नॉर्मल था, बेबी एंड मी दोनों गुड थे। तो फिर हमें घर भेज दिया एंड बहुत सिंपल सा वेलकम किया। फिर मैंने चेंज करा घर, और हमारा फ्लो वाइज रूम है तो मैंने नीचे अपनी मदर इन लॉ के रूम में चेंज किया
एंड जब मैं अपने थर्ड फ्लोर रूम में गई तो वाओ, ओह माय गुडनेस, मेरी फैमिली वहाँ पे मौजूद थी। एंड प्रदीप ने बहुत प्यारा डेकोरेशन कराया था, आप देखिए कि लाइक कितना प्यारा सा सब डेकोर करवाया था, सबको बुलाया था। एंड यस, इट्स अ गर्ल। और बेबी का वेलकम करने के लिए प्रतीक ने प्रॉपर क्यूट सा वेलकम डेकोरेशन हमारे रूम में करवाया था। और फिर उसके बाद जब मैंने एंट्री करी तो मेरी बेबी गर्ल बहुत एक्साइटेड थी, सो रही थी, बिकॉज मैं एक्साइटेड थी। यस डेफिनेटली मैं बहुत खुश थी और बहुत एक्साइटेड थी, और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश थी। एंड सी प्रतीक और मैं तो किसी करेंगे ही ना अपने बेबी को। नेक्स्ट डे ब्लेसिंग्स डे था और फिर ये सब आए थे ब्लेसिंग देने नाइशा को, तो बहुत ही खुशी थे हम लोग। तो उनका डांस देखिए अब आप। बनना बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। 9 मंथ्स की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही, बहुत टचवुड बहुत ग्रेसफुल रही, बहुत इन्जॉय किया मैंने, सारा काम एंड तक करा है मैंने। और नॉर्मल डिलीवरी में जो पेन जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो प्रतीक ने जो चीज़ें देखी हैं मेरे साथ, तो येस डेफिनेटली वो टाइम हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते और वो चीज़ हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, बिकॉज़ वो टाइम ही ऐसा था कि हम बस, मैं तो सफ़र कर रही थी एंड फैमिली बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, क्योंकि वो मेरा पेन मेरी आवाज़ सुन के बहुत ब्रेकडाउन सा हो गया था उन सबको। तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि रिकॉर्ड नहीं है, वो हमारे मेमोरीज रहेंगी हमेशा। और लेकिन वो टाइम इतना इतना डिफ़िकल्ट होता है, बट बेबी को देखने के बाद सारा पेन ख़त्म हो गया। मैं तो बहुत एक्साइटेड हो गई, मैं आराम से लोगों से मिल रही थी, फैमिली वालों से, मेरे फ्रेंड्स आए थे भूमि वानिका एंड नैना हॉस्पिटल में बेबी से मिलने, और मैं उन सबसे आराम से बात कर रही थी। बहुत अच्छी जर्नी रही है अभी तक, आगे भी ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, लव यू ऑल। तो गाइस ये बहुत ही स्पेशल और मेमोरेबल टाइम था, इतने टाइम तक इस चीज़ का वेट करा एंड फाइनली हमारी बेबी आ गई। वो इतनी क्यूट है, इतनी प्यारी है, छोटे छोटे से हैंड्स हैं और बहुत ही मज़े करती है हमारे साथ, बहुत प्यारी है। सब बोलते हैं प्रतीक पे गई है, थोड़ी सी जेलस होती हूँ, बट ठीक है, 9 मंथ्स मैंने रखा और प्रतीक पे चली गई, थोड़ा तो बुरा लगेगा यार। तो हाँ, डेफिनेटली आप सबको प्रतीक की फीलिंग्स भी बताएंगे, हम दोनों एक बहुत जल्दी एक अच्छा सा व्लॉग बनाएंगे जिसमें प्रतीक अपनी फीलिंग्स शेयर करेगा आपसे कि उसे कैसा लगा बेबी को देख के, और जब उसने फर्स्ट टाइम लिया बेबी को, हमारी प्रिंसेस को, तो उसे कैसा लगा। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और हमें ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फाइनली हमारी फैमिली कम्प्लीट हो गई है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।